देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन है 2024 में विपक्ष का चेहरा, इस सवाल को लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है। जितनी पार्टियां उतनी बातें हैं, देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो और स्वाभाविक रूप से हैं भी वो। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा हैं तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते। अभी दिल्ली दूर है, लोकसभा चुनाव में 2 साल बचे हैं, लेकिन चेहरे को लेकर चर्चा अभी से शुरू हो गई है। 2024 के लिए सभी पार्टियों ने अपने नेताओं की दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। एकता की बात करने वाली विपक्षी पार्टी का नेता कौन होगा, इस सवाल को लेकर सियासी सन्नाटा छाया हुआ है। वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं, जो कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता हम प्रणाम करते। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। बिहार में बाजीगरी दिखाने के बाद नीतीश कुमार मन की बात बताने से बच रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी खुलकर बोल रही है, उन्हें पीएम पद का प्रबल उम्मीदवार बता रही है। कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ने की और सेक्युलरिज्म को बनाकर चलने की जिसके पास भी शक्ति है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, जो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, देश को जोड़ने के लिए काम करेगा, वो डेफिनेटली नीतीश कुमार डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बिहार में जेडीयू के नीतीश कुमार का तीर दिल्ली का किला फतह करना चाहता है तो विपक्षी पार्टियां एकता चाहती हैं, लेकिन नीतीश के नाम पर सभी खामोश हैं। समाजवादी सांसद एसटी हसन ने तो अखिलेश यादव के नाम पर ताल ठोक दिया है। यकीनी तौर पर परफेक्ट है प्रधानमंत्री होने के लिए, दावेदार नहीं पर एक कामयाब प्रधानमंत्री होंगे वो। पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर जेडीयू समाजवादी पार्टी ने ताल ठोका तो कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। हम सब चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो और स्वाभाविक रूप से हैं भी वो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति रही है। जब पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। हर छोटा छोटा दल अपने अपने नेता के नाम का जाप कर रहा है। बंगाल की टीएमसी ने ममता बनर्जी का नाम आगे कर दिया है। विपक्ष के लोग बीजेपी विरोधी लोग एक साथ हो जाए फिर देखा जाएगा क्या होता। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। तो क्या 2024 की दौड़ और विपक्ष में पीएम पद हासिल करने की मची होड़ सिर्फ सत्ता भर का खेल है या वाकई ये लोग कोई बेहतर विकल्प देना चाहते हैं? तो एनडीए की सरकार गिरने के बाद बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार पर बीजेपी पीएफआई से साठगांठ का आरोप लगा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। जो पीएफआई के लोग हैं, जो एसडीपीआई के लोग हैं, वह उनके नीतीश कुमार के अफसरों से मिली भगत है। कार्रवाई हुआ आतंकवादी संगठन पर, इसलिए नीतीश नाराज हो गए भारतीय जनता पार्टी से। तो अज्ञानी नेताओं को, बेवकूफ नेताओं को दल की प्राथमिक सदस्यता से मुक्त कर दिया। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद चाचा भतीजे कदम ताल मिला रहे हैं, बिहार को नई ऊंचाई तक ले जाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी बनाम महागठबंधन की लड़ाई में पीएफआई की एंट्री हो चुकी है। जो पीएफआई के लोग हैं, जो एसडीपीआई के लोग हैं, वह उनकी नीतीश कुमार के अफसरों से मिली भगत है और वोटर वह राजद के हैं, तो इसलिए यह अफसर और वोटर मिलकर के एक पूरा गठजोड़ बनाने के लिए हुआ। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के आरोप से बिहार की सियासत नए सिरे से गर्मा गई। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नई सरकार के खिलाफ बीजेपी ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। जायसवाल ने दावा किया है कि अगर जांच हुई तो जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियां फंस जाएंगी। कहना ही है कि जांच हो रही है, इसमें सब लोग फंसेंगे, इसमें बिहार सरकार के उच्च पदाधिकारी फंसेंगे, अगर इससे बचना है तो एक ही काम है कि यह गठजोड़ तोड़ना होगा। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। जगह जगह जनादेश के साथ विश्वासघात कार्यक्रम के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रही है। आतंकियों को फंडिंग को लेकर नीतीश की चुप्पी पर बीजेपी हमलावर है। बीएफआई जब आतंकवादी संगठन है और मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि हमारा कोई समाज के कोई वर्ग हमारा नाराज हो जाएगा उससे, तो आतंकवादी संगठन चाहे जिस भी विचारधारा का होगा, जिस भी समाज से होगा, कोई मतलब नहीं है, उस पर तो कार्रवाई होगा ही।
बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया है। प्रवक्ता राजीव रंजन ने मानसिक दिवालियापन करार दिया। अभी तो ये मानसिक असंतुलन के पहले चरण में ये नेता आ गए, जिन चार नेताओं का नाम आपने लिया है। जिस दिन दिल्ली के तख्त पर भाजपा की सरकार का पतन और नई सरकार का गठन, ऐसे कई लोग पागलखानों में नजर आएंगे। और इस बीच तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कोई चुटिया रख लेने से ज्ञानी नहीं हो जाता। तेजस्वी के इस बयान पर अब गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति पर पैनी इस वक्त वो भी नजर रखे हुए हैं और आप देख रहे होंगे लगातार जो ट्वीट पर लड़ाई चल रही है, नए नवेले डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव और गिरिराज सिंह वहां ट्विटर पर। गिरिराज जी, सबसे पहले तो यही सवाल कि आप कह रहे हैं तेजस्वी से ना हो पाएगा, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि लंबी चोटी रख लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है, मसला बड़ा आगे निकल गया, बहन भी कूद पड़ी है अब मैदान में। देखिए, ऐसा है कि हमारी चोटी तो हमारी संस्कृति और तिलक मेरी पहचान है, इसे कोई मजाक ना उड़ाए। अगर किसी को हिम्मत हो तो किसी की दाढ़ी और टोपी पर मजाक उड़ा सकता है क्या, तेजस्वी बाबू हों या जो हों। और हमने जो कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और आज कह दिया कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब। तो डिप्टी सीएम कह दे कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं या नहीं सुनेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में अभी से जो है दूरी दिखने लगी है, भले ही तमाम तरीके के यहाँ पर जुड़ाव हो गए हों, मन नहीं जुड़े हैं। भाई, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कैबिनेट एक जिम्मेदार होता है। अगर कोई किसी विभाग में कुछ होता है तो पूरी कैबिनेट जिम्मेदार होता है। और मैं वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब, तो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब, तो आप यही कहते ना कि नीतीश कुमार के जाल में मैं फंस गया हूं, अब जब बनूंगा तब 10 लाख की नौकरी दूंगा। लेकिन गिरिराज जी, वो तो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए नौकरी देने के वादे का क्या हुआ, बिहार में कोई सर्वे क्यों नहीं करवाया गया, बीजेपी के जितने सांसद मंत्री बने बिहार से उन्होंने क्या किया बिहार के लिए? बिहार के लिए जानेंगे, मैं जिस विभाग में हूं 9 करोड़ इनका मनरेगा में था, 24 करोड़ है और 11,000 के बदले 24,000 करोड़ हमने दिया है और 40 लाख मकान इनको दे चुका हूँ, सड़क दिया हूँ जो अभी तक ये टेंडर नहीं कर पाए हैं। हम भी उस सरकार के पार्ट थे, हम इसको कबूल करते हैं। इसलिए ये कोई पूछे ना, अर्ध ज्ञान लेकर के कोई बात ना करे, पहले पूरे डिपार्टमेंट 5 लाख करोड़ का नितिन गडकरी ने डंके की चोट पर नीतीश बाबू के सामने बिहार को सड़के दी है। कौन सा ना ज्ञान हो, ना चलने आवे तो अंगन में टेर वाली कहावत बिहार में है, ये बुड़बक ना बनाए। ठीक है, आप एक खानदान में पैदा लिए हैं, आप जिसको जो मन हो गाली दे दें, जिसको मन हो जो कह दें, लेकिन भारत सरकार के आंकड़े पर सवाल उठाने के पहले भारत सरकार के आंकड़े को देख लें। गिरिराज जी, आप उनसे तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सवाल आपसे पूछ रही है कहकर के नीतीश बाबू धोखा देने की इतनी बड़ी प्लानिंग अगर रच रहे थे, ये कैसे हो गया कि आप लोगों को पता ही नहीं चला? 2 दिन पहले उनकी अमित शाह से बात हुई, मैं सुशील कुमार मोदी से जब बातचीत करी थी, उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू ये कह रहे थे कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद वो आपका साथ छोड़ जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है। ये मैं नहीं कह सकता
कि पता नहीं था, पता 200% था कि ये जो, लेकिन मैंने वादा किया था बिहार की जनता से, देश के सामने, कि 2020 के मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, और 43 सीट आया, 74 तो भी मैं क्यों आज कोई मुझे कल्टूराम पलटूराम नहीं कहेगा, कोई मुझे धोखेबाज नहीं कहेगा, कोई दगेबाज नहीं कहेगा, ये प्रश्न अगर पूछे। इसीलिए मैं जानते हुए भी अनजान पड़ा था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी महत्वाकांक्षा जब सर पे नाचता है किसी व्यक्ति को, अपनी महत्वाकांक्षा, तो वो व्यक्ति फिर अपने सारे चीजों को खो देता है। नीतीश बाबू ने नीति, बड़ी बात कह रहे हैं, नियत, आप ये कह रहे हैं कि आपको इस बात का पहले से पता था कि वो इस तरीके से यू टर्न ले सकते हैं या वो आपको धोखा दे सकते हैं। पांच दिन से तो पूरे सब लोग जान रहा था, लेकिन वो नहीं कुछ बोल रहे थे तो मैं क्यों बोलता। और बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, वो कहते हैं मेरे सम्मान की रक्षा नहीं, जरा थोड़ा सा दया तो करें सम्मान पर। ये 43 विधानसभा के सीट उनको आए, 74 बीजेपी को आया, हमने वादा किया, हमने उस वादा पर निभाया, ये सम्मान नहीं है तो अपमान है क्या। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।